चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चांद से आने वाली हर खबर पाकिस्तानियों के लिए सदमे से कम नहीं है। अब तो पाकिस्तानियों ने भारत के रोवर प्रज्ञान को भी लैंडर से निकलकर चांद पर चहलकदमी करते देख लिया। इसके बाद पाकिस्तानियों का ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तानियों को चंद्रयान के लिए बांटी जा रही मिठाई जहर की तरह लग रही है। देखिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद पाकिस्तान में मिठाई को लेकर क्यों बवाल मचा है। हमारे हमसाया चांद पे पूछा क्यों बैठा करें, हमारे किस वजह से, मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई, ये क्या, ये कौन सी खुशी वाली बात है? नेबर देखे जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। इंडिया हमसे बहुत आगे है, बस ये है कि अल्लाह ताला की वो कोई मौजदाद है जो हम अभी तक चल रहे हैं, हमारा मुल्क चल रहा है, नहीं तो इस हालात में तो मुल्क श्रीलंका का भी जो हाल था उससे ही बुरा हाल हो जाए। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलने का वीडियो देखकर पाकिस्तान जल भूनकर खाक हुआ जा रहा है। पाकिस्तानी चंद्रयान से जुड़ी हर खबर जानना भी चाहते हैं और भारत की हर सफलता पर तमतमा भी जाते हैं। इधर चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल फुल चार्ज हो चुके हैं और रोवर ने चांद की सतह पर चहलकदमी भी शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तानी चांद से आ रही हर खबर के साथ सदमे में जा रहे हैं। इस बीच कुछ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानियों ने हमसाए भारत की कामयाबी पर मिठाई बांटनी शुरू कर दी, लेकिन चंद्रयान की कामयाबी की मिठाई कुछ पाकिस्तानियों को जहर जैसी लगने लगी। बैठा करें, हमारे हमसाए चांद पे किस वजह से, मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई, ये कौन सी खुशी वाली बात है? अच्छा आज हम 70-75 साल पहले भी यहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। नहीं तो वो तो अपने हमसाए की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या करें, हम क्या करें? नहीं इसके हमें को खुशी होगी। पाकिस्तान के जलनखोर व्यक्ति को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन पाकिस्तानी डीएनए हर चीज में पहले अपना फायदा देखना चाहता है। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? नहीं देखिए हमें क्या मिल रहा है। लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी नहीं, चंद्रयान की मिठाई नहीं खाने वाले पाकिस्तान को अच्छे से समझा दिया कि उसका मतलब ही बनना क्यों गलत है। सर मैं आपको एक अर्ज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज करती है। बात सही थी, ऐसे में इस पाकिस्तानी के दिमाग की घंटी बजी, सुर बदले, लेकिन अब ये पूछने लगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। सर देखिए एप्रिसिएशन की बात जो है ना, मैं तो ये कहूँगा मेरा जो मुतालबा है ना आपकी गवर्नमेंट से है, सबसे है जो यहाँ पे तकरीबन 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे ही है। उनसे ये है कि हमें क्या रिफॉर्म्स मिल रही हैं यहाँ। हालांकि कुछ पाकिस्तानियों को छोड़ दें तो पाकिस्तान के किन्नरों को भी चंद्रयान के बारे में सब कुछ मालूम है और वो खुशी खुशी चंद्रयान की मिठाई खा रहे हैं। आपको पता है ये मिठाई किस चीज की बांटी जा रही है? हमारे मिसाइल चांद पे, क्या 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 चांद पे पहुंच गए हैं। ये देखें इधर पाकिस्तान में हर एक को पता है। थैंक यू, ये मेरी मिठाई खा रही है, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं आपको खुशी हुई है कि हमारे हमसाए चांद पे पहुंच गए हैं? हमें बहुत खुशी हुई है, जबरदस्त मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने खुशी खुशी मिठाई खा ली, कुछ ने इसलिए खा ली क्योंकि अच्छी मिठाई यहाँ सबको रोज रोज खाने नहीं मिलती। हालांकि पाकिस्तान में सभी लोग इन किन्नरों जैसे नहीं हैं। एक और शख्स मिला जिसे हिंदुस्तान की खुशी वाली मिठाई नहीं पची। मैं इनसे पूछूंगा, आप पहले ये मिठाई खिलाएं। ये खाएं। अच्छा पहले ये बताएं किस खुशी में मिठाई। अच्छा ये पॉइंट है, ये मुझे बताएं, ये बंदा इधर इंडिया कामयाब हुआ तो इधर मिठाई बांट रहा है, इंडिया मून पे पहुंच गया कामयाबी से, ये मिठाई बनती या बांटनी? नहीं। अच्छा ये ले आबिद भाई। अच्छा, क्यों नहीं बनती भाई जन, ये भी बताइए। लेकिन जब इस शख्स ने बताया कि उसे भारत से परेशानी क्या है तो उसकी बेवकूफी पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। नेबर देखे जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। चले जी आबिद, मैं आपसे सबसे बड़ी बात करूंगा, ये बच्चा हाँ। जितने भी बच्चे हैं इधर जो काम कर रहे हैं, जी इधर को फेस कर ले कैमरे में ताकि एग्जांपल तौर पे यहाँ पे जितने बच्चे काम कर रहे हैं, नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये YouTube पे गंदी मूवीज। वैसे इस पाकिस्तानी के अजीबोगरीब बयान के सामने भी दूसरे पाकिस्तानी ने आईना रख दिया और हिंदुस्तान से जलने वाला पाकिस्तानी शर्मसार हो गया।
आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं पाकिस्तान में पे गुजरा वे वो भाई आती नहीं है। यूट्यूब सर सुनिएगा, यूट्यूब पे आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, आप उस पर बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये पाकिस्तानी हार मानने को तैयार नहीं था और अचानक उसने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल भी सामने आ गया और ये भी मालूम चल गया कि पाकिस्तान क्यों झंडे में चांद से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं वो लेग बुलिंग वाली बात नहीं कर रहा, जबरदस्त खुशी की बात है, ठीक है। लेकिन देखें, हम अपने वतन को मोटिवेशन करने से हमें मिठाई बांटनी चाहिए। तो सर ये मोटिवेशन, ये जितने भी ढापे वाले बैठे इधर, किसी एक के पास भी बास्केट है, चांद की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बास्केट की बातें कर रहे हैं, आप ढाबों की बातें कर रहे हैं, हम लोग चांद पे क्यों नहीं पहुंचे? इंडिया से 8 साल पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की, हमने स्पेस सेंटर इंडिया से 8 साल पहले बनाया, हम इन ढाबों की वजह से तो आगे नहीं जा सके, इस सोच से बाहर निकलेंगे तो आगे जाएंगे ना हम लोग। तो पाकिस्तान टोकरियों और ढाबों में उलझा है और भारत चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में चंद्रयान की खबरें वायरल हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने चंद्रयान की खबरों को छिपाने की कोशिश की, अब इसकी वजह भी सामने आ चुकी है। क्या लाइव दिखाना चाहिए था पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ताकि बच्चों को पता चलता कि भाई टेक्नोलॉजी में वो कहां चले गए हैं। और अगर बच्चे यही पूछ लें कि बाबा या कोई भी उनका बड़ा बैठा हुआ है, हमारे मामला कहाँ तक पहुंचे हैं, तो तब स्पेस एजेंसी है, इसीलिए वो तो नहीं दिखा रहे। फिलहाल चंद्रयान का रोवर अब चांद पर अपने काम में लग गया है। प्रज्ञान के प्रयोगों से मिलने वाली जानकारी सारी दुनिया और मानवता के काम आएंगी, लेकिन कंगाल पाकिस्तानियों को इसकी खुशी नहीं, क्योंकि वो रोटी कपड़े और मकान के इंतजाम में ही लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की चांद गाड़ी प्रज्ञान देख देख कर पाकिस्तान मायूस हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान का स्पेस मिशन भारत से पहले शुरू हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष अभियान में भारत ने बड़ी छलांग लगाते हुए चांद पर भी कदम रख दिया। फिर क्या था, पाकिस्तान की आह निकल गई। भारत के मिशन चंद्रयान के खर्चे को पाकिस्तान का मीडिया उंगलियों पर जोड़ने में बैठ गया। अब तक पाकिस्तान की मीडिया ने जो हिसाब किताब किया उसके मुताबिक वो हैरान है कि बस 5 रुपए में ही भारत के कदमों के नीचे चांद आ गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं देखा आपने, जैसे ही हमारे विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर कदम रखा, पाकिस्तान के मीडिया में इनकी आह निकलने से लेकर नजर रखने तक पर चर्चा शुरू हो गई है। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया में भारत की चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का हिसाब किताब लगाना भी शुरू हो गया। इस तरह की बातें करते हुए एक दिल से आ भी निकलती है, एक फांस से चुभ जाती है। अभी मैं हिसाब पढ़ा था, अभी हम हिसाब लगा रहे हैं ना कि इट इज 5 रुपीज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। या ये जो इसका जो खर्चा हुआ, हम लोग अपने अपने स्पार्को को उठा के देख लें कि स्पार्को ने आज तक क्या किया। तो हमने तो पता नहीं ना हमने कुछ करना है। गहरी नजर तो है, लेकिन मैं सवाल पहला ये करूंगा किसकी नजर लग गई। पाकिस्तानियों के हिसाब के मुताबिक हर भारतीय के 5 रुपए के बराबर ही भारत ने चांद पर फतह हासिल कर। सदमे में बैठे पाकिस्तानी विशेषज्ञ ये भी हिसाब लगा रहे हैं कि भारत की सफलता आखिर हो कैसे गई। अभी मैं हिसाब पढ़ा था, अभी हम हिसाब लगा रहे हैं ना कि इट इज 5 रुपीज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। या ये जो इसका जो खर्चा हुआ, अच्छा इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन पहले से इजाद हुई हुई है, तो आपने उसको कॉपी करना है, उसको रिवर्स इंजीनियर करना है। जैसे नासा ने तो सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की थी ना, उसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरी इसकी जो बहुत वजह है कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि क्योंकि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में। पाकिस्तान ने यह भी हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है कि भारत 417 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, यही वजह है कि उनकी आह निकल गई है। इस तरह की बातें करते हुए एक दिल से आह भी निकलती है, एक फांस सी चुभ जाती है कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले में 1 साल बड़ा था और फिर वो बड़ा ही होता चला गया और हम कहाँ हैं। जाहिर है वो अपनी सरकार और पाकिस्तान आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। इनका तो ये तक मानना है कि पाकिस्तान को तो अपनों की ही नजर लग गई है। गहरी नजर तो है, लेकिन मैं सवाल पहला ये करूंगा किसकी नजर लग गई।
बाबा शुक्रिया आपका बुलाने का। अब मेरा ख्याल है हम अपनी ही नजर लगाते हैं, हमें किसी और की नजर की जरूरत नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारा अपना काफी इसमें हाथ है। पाकिस्तान का मीडिया चेहरे पर मायूसी लिए अपनी सरकार और आर्मी पर तो गुस्सा है ही, साथ ही अपने स्पेस प्रोग्राम को भी कोस रहा है। हम लोग अपने अपने स्पार्को को उठा के देख लें कि स्पार्को ने आज तक क्या किया, तो हमने तो पता नहीं ना हमने कुछ करना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का अखबार डॉन भी अपनी सरकार को नसीहत देते हुए कह रहा है कि 3 दशक से हमें कोई सफलता नहीं मिली, जबकि हमने भारत से पहले शुरुआत की थी, जब पूर्व सैनिक स्पेस एजेंसी संभालेंगे तो क्या होगा। यही नहीं, पाकिस्तान के लोग जब आईना देख रहे हैं तो उन्हें अपनी शक्ति सही से दिखाई भी दे रही है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में कबूल किया जा रहा है कि उनके यहाँ क्या गड़बड़ है। हमारे तो लोग ही वो ठीक नहीं है, जिस काम के लिए जिस शख्स को जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सो अगर आपको साइंटिस्ट चाहिए तो वहाँ पे वो लोग बैठे होंगे जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। चंद्रयान 2 के पूरी तरह सफल ना होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के चंद्रयान का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया उनका मजाक उड़ा रहा है। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के स्पेस मिशन के बीच का अंतर भी कम